ये आपके पास फंक्शन दिया गया है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो से y इक्वल्स टू, लेट कर लिया y इक्वल्स टू दिस मच, एंड नाउ डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा आपका, dy बाई डी एक्स इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x साइन ऑफ 5x। यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा आपका, क्योंकि ये e की पावर x फर्स्ट फंक्शन है और सेकेंड फंक्शन है, ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल क्या होता है आपका, ये हो जाता है फर्स्ट डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड, मतलब साइन ऑफ 5x प्लस साइन ऑफ 5x डी बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। ठीक है, अब साइन 5x को डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके ये फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन का केस कैसे डील किया जाता है, चेन रूल लगाते हो, मतलब यहाँ पे सबसे आउटर फंक्शन साइन है तो पहले वो डिफ्रेंशिएट होगा, साइन का कॉस आ जाएगा जो भी साइन के अंदर लिख दीजिए, फिर 5x का डिफरेंशिएशन होगा जो 5 आ जाएगा, ठीक है, प्लस साइन 5x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन वही होता है, ठीक है, तो e की पावर x कॉमन कर लेते हैं, क्या आ गया आपका, दैट कम्स आउट टू बी 5 cos 5x प्लस साइन ऑफ 5x। ठीक है, से दैट इज इक्वेशन नंबर 2, ये आपका dy बाई डी एक्स हो गया, मगर आपको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर या डबल डेरेटिव निकालना तो एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिख देंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, सेकेंड फंक्शन हम ये पूरी ब्रैकेट ले लेते हैं, ठीक है, ये सेकेंड फंक्शन हमारे लिए हो गया, तो फर्स्ट d बाई डी एक्स ऑफ दिस ब्रैकेट 5 cos 5x प्लस साइन 5x एंड फिर ये फंक्शन मतलब ब्रैकेट सेकेंड 5 cos 5x प्लस साइन 5x एंड d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका d2y बाई डी एक्स स्क्वायर तो है ही है, d2 बाई डी एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ब्रैकेट डिफरेंशिएट होगी e की पावर x, ध्यान से करिए इसको, देखिए क्या होगा, 5 कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा ये, तो 5 बाहर आ गया, cos 5x का डिफरेंशिएशन, cos का माइनस साइन हो जाएगा, फिर 5x का डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो ये हो जाएगा माइनस साइन 5x और 5x का डिफरेंशिएशन 5। ठीक है, ये हो गया आपका cos 5x का डिफरेंशिएशन इतना, फिर साइन 5x का, ये भी फंक्शन ऑफ फंक्शन है, साइन का होगा फिर 5x का होगा, साइन आउटर फंक्शन क्योंकि है, तो साइन का क्या हो जाएगा आपका, cos हो जाएगा, cos ऑफ 5x और इनटू 5 हो जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट का डिफरेंशिएशन हो गया, अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे ये ब्रैकेट कॉपी करना है, तो प्लस ये हो गया आपका 5 cos 5x और प्लस साइन 5x। ठीक है, ये ब्रैकेट में रहेगा और e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या रहेगा आपका, e की पावर x रहेगा। ठीक है, अब देखिए e की पावर x हम सबसे कॉमन कर लेते हैं, e की पावर x सबसे कॉमन कर लेते हैं, ठीक है, और ब्रैकेट में जो बचा लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे क्या हुआ, 5 जा 25 माइनस का, तो माइनस का 25 साइन 5x। ठीक है, उसके बाद फिर अच्छा साइन 5x यहाँ भी था, ठीक है, तो 25 माइनस का और प्लस का 1 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, तो यहाँ लिख देते हैं माइनस 24 साइन 5x। फिर कॉस x देखिए, ये 5 cos 5x है और यहाँ पे 5 cos 5x ये भी है, कुल मिला के कितना हो गया, सेम साइन के ऐड हो जाएंगे, 10 टाइम्स cos ऑफ 5x। ठीक है, लेकिन अब देखो इससे भी कुछ कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है ना, तो 2 कॉमन कर लेते हैं, कॉमन करना मतलब डिवाइड करना दोनों टर्म को, तो ये 2 डिवाइड होगा कितना आ जाएगा, 24 12 आ जाएगा, 10 डिवाइड होगा 2 से तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये आ गया आपका d2y बाई dx स्क्वायर, दैट इज योर आंसर। ठीक है,